अरे टाटा वालों एक ही दिल है, और कितनी बार जीतोगे? अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों यही बात मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि मेरा ऐसा कहने के पीछे रीजन क्या है। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारखाना। आज ग्लोबल एनकैप ने एक और क्रैश टेस्ट किया है जो कि टाटा टिगोर एंड टियागो के ऊपर किया गया है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि टाटा ने एक बार फिर इतिहास दोहराया है। इन दोनों गाड़ियों को एनकैप रेटिंग में 4 स्टार्स मिले हैं। ये टेस्ट 2 एयरबैग्स के साथ किया गया है एंड पीछे जो रियर सीट्स हैं इस पे इसको 3 स्टार की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बात है। ये टाटा ने एक के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए यह साबित कर दिया है कि इनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं। अगर हम बात करें i20 की या बलिनो की या स्विफ्ट की या डिज़ायर की, इन सबको बहुत कम स्टार्स मिले हैं। i20 को 3 स्टार्स मिले हैं, जबकि सेंट्रो को, स्विफ्ट को और डिज़ायर को सिर्फ 2 स्टार्स मिले हैं। उस हद तक इस बजट रेंज में काफ़ी सेफ गाड़ी मानी जा रही है टाटा की टिगोर एंड टियागो। ग्लोबल एनकैप में 4 रेटिंग, मतलब 5 के बाद 2 इनकी लगातार गाड़ियों में 5 प्लस, अब इन गाड़ियों में इनको 4 रेटिंग मिलना कोई छोटी बात नहीं रह गई है। टाटा एक ब्रांड बन चुका है जो कि आपको सेफ्टी की पूरी श्योरिटी दे रहा है। दोस्तों इसका एक फ्रंटल टेस्ट हुआ है जो कि 2 एयरबैग्स के साथ हुआ है। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल समझी गई है, जबकि इसकी बॉडी लाइन में थोड़ा और सुधार किया जा सकता है कि ज़्यादा भार के साथ और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। बहुत अच्छी बात है कि कोई इंडियन ब्रांड अब पब्लिक की सेफ्टी के बारे में सोच रहा है और उनको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ियां दे रहा है। सिर्फ टाटा ही नहीं, यहाँ पे महिंद्रा ने भी अभी बाजी मारी है। XUV300 में उसको पूरे 5 रेटिंग मिली है दोस्तों। तो अब इंडियन ब्रांड के साथ फॉरेन ब्रांड्स को भी काफ़ी हद तक सोचना पड़ेगा कि जब वो अपना प्रोडक्ट इंडिया में लाएंगे तो उनको अपनी गाड़ियों में सेफ्टी देनी होगी। साथ ही पब्लिक को भी, ये जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर्स हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि अपनी गाड़ियों में सेफ्टी नॉर्म्स देख करके ही आगे गाड़ी चुने। दोस्तों टाटा ने वैसे भी शायद सोच रखा है अब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने का, पहले नेक्सॉन, फिर ऑल्ट्रोस और अब टिगोर एंड टियागो को 4 स्टार मिलना कोई छोटी बात नहीं है। नो डाउट टाटा और महिंद्रा का जो सेल ग्राफ है वो काफ़ी हाई होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप कौन सी गाड़ी के बारे में और जानना चाहते हैं और कौन सी गाड़ी की सेफ्टी जानना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यहाँ तक ये वीडियो आप देख चुके हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।